सबसे पहले तो जरा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के वेबसाइट पर मौजूद इस आर्टिकल की हेडलाइन पर नजर डालिए। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एक अजीब से एक्सप्लोजन को डिस्कवर किया है, वो भी बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी प्लेस पर, और इस एक्सप्लोजन का नाम है AT2023FHN, यानी कि द फिंच। लेकिन आखिर इसमें इतना खास बात क्या है? वेल, जब भी बात एक्सप्लोजन की आती है तो हमारे माइंड में सबसे पहले सुपरनोवा का ख्याल आता है, पर ये वाला एक्सप्लोजन कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन नहीं था। जिस जगह पर ये मौजूद था वहां पर दूर दूर तक किसी ब्लैक होल का नामो निशान तक नहीं था, और तो और इसे न्यूट्रॉन स्टार की टक्कर से जोड़कर भी नहीं देखा जा सकता है। ये है एक LFBOT, यानी कि ल्यूमिनस फास्ट ब्लू ऑप्टिकल ट्रांजिएंट। अब देखो, आज हम एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में इतने आगे बढ़ चुके हैं ना कि हमें मैन्युअली टेलीस्कोप लेकर आसमान की तरफ 2400 घंटे नजर रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। कैलिफोर्निया की पालोमार ऑब्जर्वेटरी में स्थित ज़्विकी ट्रांजिएंट फैसिलिटी जैसे टेलीस्कोप्स हर दो दिन में एक बार पूरे आसमान को स्कैन करते हैं और हर विजिबल एक्सप्लोजन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अब एक बार इन्फॉर्मेशन मिल जाने पर दुनिया भर में फैले टेलीस्कोप्स का नेटवर्क एक्टिव हो जाता है और उस पर्टिकुलर एक्सप्लोजन को स्टडी करने में लग जाता है। अब यूं तो वैज्ञानिकों के लिए सुपरनोवा एक्सप्लोजन में मिस्ट्री जैसा कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि हम इन्हें काफी डीपली स्टडी कर चुके हैं। पर रिसेंटली हमें आसमान में कुछ ऐसे एक्सप्लोजन्स देखने को मिले हैं जिनका हमारे पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ LFBOTs, यानी कि ल्यूमिनस फास्ट ब्लू ऑप्टिकल ट्रांजिएंट्स की। अब पहली नजर में तो ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन ही लगते हैं, पर इनके फीचर्स एक टिपिकल सुपरनोवा से काफी अलग है। अब ऐसा पहला एक्सप्लोजन हमने 16 जून 2018 को डिस्कवर किया था, जिसका नाम रखा गया AT2018COW। धरती से 20 करोड़ लाइट ईयर्स दूर हरक्यूलिस कॉन्स्टेलेशन में यह एक्सप्लोजन CGCG137068 नाम की गैलेक्सी में डिटेक्ट किया गया था, और तब से लेकर आज तक 5 और ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिएंट इवेंट्स देखने को मिल चुके हैं, पर वैज्ञानिकों के पास इनका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब देखो, जब बात एक्सप्लेनेशन की आती है ना, तो सबसे पहले हमें यही लगता है कि ये कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा। एक टाइप 2 सुपरनोवा यूनिवर्स में ऑब्जर्व किया जाने वाला मोस्ट कॉमन एक्सप्लोजन होता है। इसमें एक बड़ा धमाका होता है जो लाइट और हीट के साथ साथ मैटर को भी रिलीज करता है। एक टिपिकल सुपरनोवा एकदम से अपनी पीक ब्राइटनेस पर नहीं आता, इसे अपने पीक पर पहुंचने के लिए करीब 2 हफ्तों का समय लगता है। इसके बाद ये धीरे धीरे अपनी ब्राइटनेस को कम करता जाता है और इसे पूरी तरह से डिसअपीयर होने में महीनों का समय लग जाता है। अब हो सकता है कि कोई सुपरनोवा इवेंट थोड़ा ज्यादा ही ब्राइट हो, किसी के अंदर ज्यादा मैटर रिलीज हो जाए, या फिर कोई थोड़ा डिम निकल जाए, पर सारे सुपरनोवा इवेंट्स के बीच ना कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। लेकिन AT2018COW जैसे एक्सप्लोजन्स के केस में कुछ अलग ही नजारा दिखाई देता है। इनकी इंटेंसिटी एक टिपिकल सुपरनोवा से करीब 100 गुना ज्यादा होती है। ये अपनी पीक ब्राइटनेस पर 1 से 2 दिनों में ही पहुंच जाते हैं, और भाई 1 हफ्ते के अंदर ये पूरी तरह से डिसअपीयर भी हो जाते हैं। अपने पीक के दौरान ये अनयूजुअल एक्सप्लोजन्स ब्लू कलर के नजर आते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में एक्स रेज को एमिट करते हैं, और यही कारण है कि इन्हें ल्यूमिनस फास्ट ब्लू ऑप्टिकल ट्रांजिएंट नाम दिया गया है। LFBOTs जैसे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स हमें हर साल में ऑन एन एवरेज एक ही दिखाई देता है, जो हमारे द्वारा ऑब्जर्व किए जाने वाले टोटल सुपरनोवा इवेंट्स का 0.1% भी नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ये सच में सुपरनोवा एक्सप्लोजन ही है, तो भाई यहाँ सच में कुछ बेहद ही अजीब चीज हो रही है। ये एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिएंट्स बहुत ज्यादा एनर्जी और लाइट को एमिट करते हैं। इनका टेम्परेचर लाखों डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है, और इनसे एमिट होने वाले मैटर की स्पीड लाइट की स्पीड के 50% तक पहुंच सकती है। मतलब यहां पर कोई ना कोई पावरफुल एक्सप्लोजन तो जरूर हो रहा है, पर प्रॉब्लम यह है कि हम इंसान इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। अब देखा जाए तो इसका एक एक्सप्लेनेशन तो यह है कि शायद यहां ब्लैक होल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, और ऐसा इसीलिए क्योंकि ब्लैक होल्स ही ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो इतनी जल्दी इतनी पावरफुल एमिशंस कर सकते हैं, साथ ही साथ ये एक्स रेज को भी रिलीज करते हैं। देखो, जब कोई स्टार ब्लैक होल के काफी करीब आ जाता है ना, तो अक्सर देखा गया है कि ये उसे तबाह कर देता है, और तबाही का ये मंजर किसी सुपरनोवा इवेंट की तरह ही ब्राइट और डिस्ट्रक्टिव होता है, और ऐसे इवेंट्स को TDEs यानी कि टाइडल डिसरप्शन इवेंट कहा जाता है। अब पहली नजर में तो AT2018COW जैसे इवेंट्स TDE से काफी हद तक मैच करते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि TDEs हमारे लिए कोई नया फिनोमेना नहीं है। हम हजारों ऐसे इवेंट्स को पास्ट में ऑब्जर्व कर चुके हैं,
और इस आधार पर वैज्ञानिक ये कह सकते हैं कि LFBOTs और TDEs एक दूसरे से काफी अलग हैं और वहां पर किसी ब्लैक होल का इन्वॉल्वमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। और इन दावों की पुष्टि करती है हमारी नई डिस्कवरी जिसका नाम है AT2023FHN। इसको द फिंच निकनेम दिया गया है और इसे ज्विकी ट्रांजिएंट फैसिलिटी द्वारा अप्रैल 2023 में ही खोजा गया था। लेकिन आखिर ये इवेंट्स के पीछे ब्लैक होल की इन्वॉल्वमेंट की कॉन्स्पिरेसी थियरी को कैसे डिबंक करता है? वेल, इसका रीजन ये है कि द फिंच नाम का यह एक्सप्लोजन किसी गैलेक्सी में नहीं बल्कि इंटरगैलेक्टिक स्पेस में देखने को मिला है। और तभी तो मैंने ऐसा कहा कि हमने बड़े ही अजीब से एक्सप्लोजन को एक अनएक्सपेक्टेड सी प्लेस पर खोजा है। देखो, एक इंटरगैलेक्टिक स्पेस वो स्पेस होती है ना जो दो गैलेक्सीज के बीच में खाली जगह होती है, और ESA की वेबसाइट के अनुसार ये एक्सप्लोजन दो गैलेक्सीज के बीच मौजूद इंटरगैलेक्टिक स्पेस में ही हुआ है, जहां एक तरफ ये नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी से 50,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, तो वहीं पर नियरेस्ट ड्वार्फ गैलेक्सी से भी इसकी डिस्टेंस 15,000 लाइट ईयर्स है। साथ ही साथ ये हमारी पृथ्वी से भी करीब 290 करोड़ लाइट ईयर्स की डिस्टेंस पर है। लेकिन अब सवाल आता है कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये एक LFBOT है। अब देखो, 100% एश्योरेंस के साथ तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, पर इसके फीचर्स 100% एक LFBOT से मैच करते हैं। इसने एक्सप्लोजन के दौरान हाई ब्राइटनेस और मैटर कंटेंट रिलीज किया था। इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, इसमें हमें ब्लू लाइट नजर आ रही थी और ये एक्स रेज को भी प्रीडोमिनेंटली रिलीज कर रहा था। पर एक टिपिकल LFBOT के साथ जो एक्सप्लेनेशन जोड़े जाते हैं ना, जैसे इसमें किसी ब्लैक होल का इन्वॉल्वमेंट होगा या फिर शायद दो विशालकाय तारे आपस में टकरा गए होंगे, ये सारे एक्सप्लेनेशन द फिंच के केस में पूरी तरह से फेल हो जाते हैं, क्योंकि यार ये किसी भी सुपर मैसिव ब्लैक होल या फिर गैलेक्सी से बहुत ज्यादा दूर है। लेकिन क्या इसमें न्यूट्रॉन स्टार का हाथ हो सकता है? देखो, ये पॉसिबल है कि ये एक किलोनोवा एक्सप्लोजन हो। जब दो न्यूट्रॉन स्टार्स टकराते हैं तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक बेहद ही चमकदार ब्लास्ट देखने को मिलता है, और इसे ही किलोनोवा एक्सप्लोजन कहा जाता है। अक्सर ही गैलेक्सीज के टक्कर के दौरान न्यूट्रॉन स्टार्स जैसे सुपर डेंस ऑब्जेक्ट्स अपनी गैलेक्सी से बाहर की ओर फेंक दिए जाते हैं। अब हो सकता है कि ऐसे ही दो न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में टकरा गए हो और हम इसे कोई नया इवेंट समझ रहे हो। मेरे दोस्त, जिसे आप मदर ऑफ कोइंसिडेंस समझ रहे हो ना, वो रियलिटी में कॉमेडी ऑफ कोइंसिडेंस तब बन जाता है जब किलोनोवा और LFBOT के कलर से लेकर उसके अपीयरेंस में कोई सिमिलैरिटी नजर नहीं आती। कहने का मतलब यह है कि वैज्ञानिक इसे किलोनोवा एक्सप्लोजन के रूप में इमेजिन जरूर करते हैं, पर इन दोनों ही एक्सप्लोजन के बेसिक फीचर्स में काफी ज्यादा अंतर है। मतलब ना तो ब्लैक होल का, ना ही न्यूट्रॉन स्टार का और ना ही किसी और स्टार का यहाँ पर कोई इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। अब आखिर में चलो हम LFBOTs को यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल और एनर्जेटिक एक्सप्लोजन्स यानी कि गामा रे बर्स्ट से भी कंपेयर कर ही लेते हैं। तो देखो, एक गामा रे बर्स्ट सुपरनोवा इवेंट्स के दौरान ही रिलीज होती है, पर इनके ड्यूरेशन कुछ मिलीसेकंड से कुछ घंटों तक की होती है, और भाई इतने में ही ये आसपास के सोलर सिस्टम में तबाही ला सकती है। LFBOTs की तरह ये कुछ दिनों तक एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरी तरफ गामा रे बर्स्ट में हमें शॉर्टर वेवलेंथ वाली रेडिएशन जैसे कि एक्स रेज तो दिखती है, जिस कारण हम इन्हें LFBOTs से सिमिलर मान सकते हैं, पर एक्स रेज के साथ साथ ये इंफ्रा रेड, अल्ट्रा वायलेट, माइक्रोवेव और रेडियो वेव सब कुछ एमिट करती है। मतलब यार, LFBOTs को हम GRBs तो बिल्कुल भी कंसीडर नहीं कर सकते। ऐसे में कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि हम इस एक्सप्लोजन को सही से ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे हैं। जिस इंटरगैलेक्टिक स्पेस में हमें यह एक्सप्लोजन नजर आ रहा है ना, शायद वहां पर कोई मिस्ट्री छिपी हुई है, और मिस्ट्री से मेरा मतलब है एक ग्लोबुलर क्लस्टर। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि हमारा ये एक्सप्लोजन एक कम्प्लीटली वैकेंट इंटरगैलेक्टिक स्पेस में नहीं हो रहा हो, बल्कि यहाँ पर एक ग्लोबुलर क्लस्टर एग्जिस्ट करता हो। अब देखो, ये वाला एक्सप्लेनेशन तो हमें LFBOTs के मिस्ट्रीज के बारे में तो कुछ नहीं बता रहा है, पर एटलीस्ट इससे इंटरगैलेक्टिक स्पेस वाला एंगल तो रिमूव हो ही जाएगा। पर यार, ग्लोबुलर क्लस्टर वाली बात भी महज एक हाइपोथेसिस ही है, और हमने फिलहाल तक ऐसी कोई भी चीज यूनिवर्स के उस रीजन में डिस्कवर नहीं की है। अब देखो, पर्सनली मुझे लगता है ना कि आने वाले समय में वैज्ञानिक इसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसी किसी पावरफुल टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करने की कोशिश जरूर करेंगे, जिससे कि इस मिस्ट्री को डीकोड किया जा सके। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो, और आपको क्या लगता है, हम इंसान इस मिस्टीरियस एक्सप्लोजन को कब तक डीकोड कर पाएंगे? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे इंटरगैलेक्टिक स्पेस के बीचों बीच बिल्कुल खाली जगह पर इतना बड़ा एक्सप्लोजन का होना आखिर कैसे संभव है?
कभी सोचा इस बारे में? वैसे आपके दिमाग में इसको लेकर क्या ख्याल आ रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको ये वाला वीडियो भी जरूर पसंद आएगा जिसमें हमने TLE इवेंट्स के बारे में बात किया था, जो कि काफी मजेदार इवेंट्स होते हैं और वो भी अर्थ पर होते हैं, तो इसे जाकर जरूर देखना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।